अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक सर्किट होल्डर जो एक हाथ का काम करेगा, यानी अगर आपने किसी भी सर्किट को टांका वगैरह लगाना है तो उसकी मदद से आप आसानी से लगा सकते हैं। उसकी मदद से सर्किट को पकड़कर आपने सबसे पहले क्या करना है, तकरीबन 1 फुट की 3 तारें ले लेनी है, कापर की कोई अच्छी सी हो जो, और इसको तकरीबन इतना सा ऊपर से इसके ऊपर जो छिलका होता है वो इस साइड से उतार लेना है, और इस साइड से तकरीबन थोड़ा उतार लेना है। इसको उतार लेने के बाद ये तकरीबन इस शक्ल में बन जाएगी। अब इसके अंदर आपने एक, और उसके बाद आपने इस तरह की 3 ले लेनी है जो तार को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनको लेकर यहाँ पर रख कर इसको यहाँ पर इसको रख कर इसको किसी चीज़ से दबा देना ऊपर, जो ये निशान बने हुए होते हैं इसको बंद करने के लिए। अब इसको हमने अच्छी तरीके से ऊपर से जोड़ दिया, यानी कि इनको दबा दिया है, और अब इसके ऊपर ये वाला कवर चढ़ा देंगे। इस तरह के हमने 3 बना लेनी है, 3 बन चुकी हैं। और अब आपने क्या करना है कि एक प्लास्टिक का गिलास ले लेना है, ये कोई और प्लास्टिक की चीज़ वगैरह, और इसको इसके 3 होल्स कर लेने लेने हैं, यानी 3 सुराख कर लेने हैं, और इन वायर्स को जो बनाई हैं इनको इन होल्स के अंदर डाल देना है। इन वायर्स को आप, तीनों वायर्स को और इनको हमने इस गिलास में डाल दिया और इसके अंदर इन तारों को फैला दिया है, और अब हम इनको जोड़ लेते हैं ताकि ये गिरे नहीं या कोई और मसला इनको। अब हमने तकरीबन 2 ढक्कन, ये वाले जो हैं ये सीमेंट के लिए हैं, और 4 ढक्कन रेत के लिए हैं, जो तकरीबन सीमेंट के 1:2 बनती है। और अब हमने बजरी के ये 6 ढक्कन ले लिए हैं, जो तकरीबन 1:3 सीमेंट से बनती है। और अब हम इन तीनों को मिक्स कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और अब हम इसमें पानी डालते हैं। आपने इसमें अपने हिसाब से पानी डाल लेना है और इसको मिक्स कर लेना है पानी को। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, और अब हम इस गिलास में इसको भर लेते हैं। अब हमने सारे को सीमेंट और बजरी वाला जो मिक्सचर बनाया था उसे भर लिया है, और अब हम इसको मिलाकर खुश्क होने के लिए रख देते हैं। और इसके ऊपर कुछ हम खालिस सीमेंट फेंक देते हैं। ऐसे ये बहुत ही उम्दा बन जाएगा और इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा इससे। अब हमने इस पर खालिस सीमेंट डालकर इसको एक जैसा कर दिया है, और अब हम इसको खुश्क होने के लिए रख देते हैं और थोड़ी देर बाद टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, अब ये खुश्क हो चुका है, और अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये काम करता भी है या नहीं। तो आपने कोई भी सिस्टम ले लेना है और उसको चेक करने के लिए इसके ज़रिए जोड़ देना है। अगर आपने यहाँ पर टांके लगाने हैं तो इसके ऐसे जोड़ कर रख देना, और आप आसानी से इस पर टांके लगा सकते हैं। इसके ज़रिए आप किसी मोबाइल फ़ोन वगैरह को भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। ये देखें, आप इसके ज़रिए किसी मोबाइल फ़ोन को भी जोड़ कर रख सकते हैं ताकि आप दूर से इसको चला सकें। तो थैंक यू दोस्तों, खुदा हाफिज़।